खबर इंदौर से, जहां नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल जारी है। जी हां, जिला अस्पताल में ही प्रदर्शन किया है। थाली चम्मच बजाकर उन्होंने नाराजगी जताई है। 10 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की है, तो वही मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें, खबर इंदौर से है, जहां नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल जारी है। जहां जिला अस्पताल में प्रदर्शन किया है, थाली चम्मच बजाकर नर्सिंग स्टाफ ने अपनी नाराजगी जताई है। 10 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग यहाँ पर जारी है, तो वही मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जिला अस्पताल में बैठक, हम लोगों का हड़ताल दिनांक 10 तारीख से हम लोग सभी पूरा स्टाफ, पूरा नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन हड़ताल के लिए उतरा है। हमारी सबसे पहले जो मांग है वो हमारी है सेकंड ग्रेड की है। हमारी फर्स्ट मांग जो है वो हमारी सेकंड ग्रेड है हम लोगों की पदोन्नति का। तीसरी मांग है हमारी 70-80-90 जो सरकार देती है नए बच्चों का, एक साल में 70%, दूसरे साल में 80%, तीसरे साल में 90%, तो वो सब बंद करा के उनको पूरा दिया जाए और उसका बाद में एरियर भी दिया जाए, है ना। और पदोन्नति का भी है, नाइट अलाउंस का लगाया है, और भी बहुत सारी मांगे हैं हमारी। तो सरकार अगर जल्दी सुन, ये हड़ताल कब तक चलेगी? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। मरीज परेशान हो रहे उसके लिए, वो हमारी मजबूरी है। वो शासन को या अधिकारियों को व्यवस्था करना। आपके अधिकारी से बात हुई किससे? हाँ, हमारे अधिकारी से बात हुई है। अभी हम लोगों ने ज्ञापन कलेक्टर सर को भी लगा दिया है, सीएमओ सर को भी हमारे तरफ से हमने आवेदन लगा दिया है, और सारी मांगे रख दी गई है उनके सामने। अब बाकी देखो, हमें भी बुरा लगता है कि हम लोग मरीजों की सेवा कर नहीं पा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही, लेकिन हमारी मांगे भी जायज है जो पूरी होना चाहिए। देशव्यापी हड़ताल है जी, प्रदेश व्यापी हड़ताल है। मध्य प्रदेश पूरा नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन सभी। आपका नाम बता दो। मेरा नाम गायत्री वर्मा। 10 साल हमारा, मैं जिला स्तर में मेट्रन हूँ। मेरी अध्यक्ष लता चौहान है, एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष लता चौहान है, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना पवार। हम सब सभी साथ में जुड़े हुए, पूरा मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है।